मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खारगे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ, राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी, यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खारगे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस
के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज इस विशेष अवसर पर मैं बस यही चंद शब्द कहना चाहती थी। अंत में मैं सबको अपने लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूं और इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए। मैं मल्लिकार्जुन खारगे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। इससे लेकर शहर तक हर खबर आप तक, सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।